अब हम आज ग्राउंडिंग शुरू करते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम एक ये मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए हमारा जो स्पाइन होता है, स्पाइन के एंड में जो हमारा टेल बोन होती है, टेल बोन से हम लोग विजुलाइज करेंगे एक मोटा सा पाइप, 1 इंच या 1.5 इंच मोटा पाइप, ग्रीन कलर का पाइप, प्रोजेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के अंदर जाके पूरा वो कोर तक चला जाएगा। फिर उसके बाद आप ऊपर से आप विजुलाइज करेंगे कि सन की एनर्जी है। नम्रता जी आप कुछ कह रहे हैं तो आपका माइक ऑफ है, आप प्लीज यू कैन स्विच ऑन योर माइक, कुछ कह रहे हैं तो। नम्रता जी आपका माइक ऑफ है। चलिए ठीक है, तो हम लोग विजुलाइज करेंगे कि जो सन है, सन ऊपर से आपको पूरे बॉडी में एनर्जी दे रहा है, और आपके जो सेंटर मेरिडियन है वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी स्ट्रेंथ उस पाइप को मिल रही है, और वो पाइप इतना ज्यादा स्ट्रेंथ हो, इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो कम से कम 1 हफ्ते तक आपका ग्राउंडिंग रहेगी। आपको उस पाइप को स्ट्रेंथ देना है, तो वो जो ग्राउंडिंग आज हम मेडिटेशन करेंगे उस तरीके से, एक एक हफ्ते, अगर आप 1 हफ्ते में भी एक बार करें तो वो आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपके अंदर जो एनर्जी आती है वो ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है, हमें स्ट्रेंथ देनी है उस पाइप को और अपना कनेक्शन बनाना है मदर अर्थ से। क्लियर मैम, एक बार दोबारा रिपीट करना पड़ेगा प्लीज. है? हमें देखिए ग्रीन पाइप को अटैच करना है अपनी टेल बोन से, राइट? टेल बोन से और उसका कोर दूसरा एंड होगा कोर ऑफ द मदर अर्थ, अर्थ के ओके एकदम कोर में जाकर वहां से मदर अर्थ से कनेक्ट कर देना है। मैम. जो मदर अर्थ कोर में हमारी विराजमान है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करती रहती है लव लव एनर्जी में, ओके तो मैम. जो भी एनर्जी जाएगी वो ट्रांसम्यूट हो जाएगी, और अगर आपको वापस आ रही है तो आपको ये एनर्जाइज करेगी, आप ही के वातावरण को अच्छा करेगी। मैम, कोर मतलब सेंटर ऑफ द सेंटर, हार्ट. हाँ, सेंटर ऑफ द अर्थ। मैम प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. मैं थोड़ा सा कॉल आ गई थी तो इसलिए. ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, मैं लास्ट बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग सब आराम से सुनिए। आपकी जो स्पाइन की टेल बोन है, आपको विजुलाइज करना है एक मोटा पाइप जो 1.5 इंच के करीब मोटा है, ग्रीन कलर का पाइप, वहां से एक्सटेंड होकर मदर अर्थ के बीच में जा रहा है, कोर ऑफ द अर्थ में जा रहा है, वहां से कनेक्ट हो गया है। वहां से कनेक्ट होने के बाद फिर हम विजुलाइज करेंगे हमारे क्राउन चक्रा पे सन एनर्जी को विजुलाइज करेंगे, वहां से हम स्ट्रेंथ लेके अपने सेंट्रल मेरिडियन से वो पूरी एनर्जी ट्रेवल करेगी, पूरी बॉडी में जाएगी और फिर उस पाइप को स्ट्रेंथन करेगी। जैसे जैसे वो पाइप आपका स्ट्रांग होता रहेगा, कम से कम इतना स्ट्रांग करना है कि वो 1 हफ्ता टिका रहे, तो आप हर वीक में एक बार ये मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, जिससे आपकी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये बहुत सिंपलेस्ट है, ठीक है, ऊपर से हमें एनर्जी लेनी है, नीचे अपने पाइप को स्ट्रांग करना है, सिंपल। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आप पूरे अपने हफ्ते में कोई भी मोडालिटी, कोई भी आप यूज करते हैं ना, आपकी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज होंगी सारी की सारी ग्राउंड हो जाएंगी, आपको बहुत लाइट फील होगा, और प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट। मैम, क्राउन चक्रा से हमें सन एनर्जी लेनी है ना? मैं अभी गाइड कर रही हूँ आपको, ठीक है, ओके ओके नाउ मैम. क्लोज योर आई। मैम मैम, चप्पल पहन के कर सकते हैं शूज? नहीं चप्पल नहीं 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 प्लीज, क्योंकि वैसे ही ग्राउंडिंग है तो यू शुड सिट स्ट्रेट, और आपके जो फूट है वो आपका ग्राउंड से टच होना चाहिए। ठीक है. थैंक यू मैम. जी, ग्राउंडिंग मेडिटेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अब या तो आप जमीन पे बैठे हैं तो डायरेक्टली टेल ऑफ द बोन से, टेल बोन से आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल यही होता है कि जो आपका फूट है, ठीक है, पैरों के जो तलवे हैं वो ग्राउंड से टच करे। मैम, बेड के ऊपर मैम खड़े बैठ के करने होके से कर होगा? सकते नहीं हैं? नहीं नहीं आप बैठ के करिए, चेयर पे या जमीन में बैठ के नहीं नहीं कीजिए। मैम, हाँ हाँ बेड बेड के ऊपर बैठ के करने से नहीं होगा? मैम, बेड पे आप बैठ सकते हैं, आप फिर वो देखिए ये ना एडवांस टेक्निक हो जाती है, आप विजुलाइज कीजिए आप अर्थ पे बैठे, ठीक है, ओके आप बेड मैम. पे बैठ के कर लीजिए, बट ये विजुलाइज कीजिए कि आप अर्थ जमीन पे बैठे। ओके मैम. अगर देखिए ये चीज का ध्यान रखिए कि बेड बॉक्स बेड है या प्लेन बेड है, बॉक्स बेड होगा तो देखिए बहुत सारी एनर्जीज बीच में आ जाती हैं जो आपके बॉक्स के अंदर स्टोर्ड है, नहीं, नॉर्मल बेड है, बॉक्स बेड नहीं है. ठीक है, कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ हैंड एंड को एक्सहेल। क्रॉस नहीं करना है ना, हाथ पैर नहीं, को? किसी को क्रॉस नहीं करना, हाथ को खुले रखिए,
टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स. नाउ विजुअलाइज यू आर सिटिंग विद योर फीट ऑन योर ग्राउंड, ऑन अ ग्रीन ग्राउंड. पूरी ग्राउंड पे ग्रास ही ग्रास है, बहुत निर्मल सॉफ्ट ग्रास. द एरिया इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ प्राणा एनर्जी. टेक अ डीप ब्रीथ इन दिस एनवायरमेंट एंड रिलैक्स. Now visualize Mother Earth as you breathe in. Pull the energy from Mother Earth from your tailbone up to your spine, up to your crown chakra. आपके सभी चक्रास लाइन में आ जाएंगे. जैसे जैसे एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, आपके सारे चक्रास लाइन में आ रहे हैं और सारे एक्स्ट्रा थॉट्स जा रहे हैं. अगेन टेक अ डीप ब्रीथ फ्रॉम द मदर अर्थ. Try to pull the energy from the Mother Earth up to your spine, to your crown chakra, releasing all the extra energies into the environment. You are completely focused. Your energy is completely into a single chain of line. Keep breathing. Enjoy this state. Your aligned chakras to the earth. Now, imagine a golden, brilliant sun over your crown chakra. A beautiful, golden, vibrant sun over your crown chakra. It's sparkling brilliantly. It's glowing. From this sun, absorb the divine healing energy through your crown chakra down to your central meridian, energizing each and every chakra, each and every cell of your body, down, down, down to your root chakra. From here, visualize 1.5 inch thick pipe, green color pipe, from your tailbone going down, down, straight to the core of earth. Feel each and the pipe moving down to the core. Feel the grass, feel the stones, pebbles, feel the layer of soils, sedimentary rocks, feel the water table down, down, down to the core of the earth. This beautiful, strong green color pipe is attached to the core of the earth now. Absorb the energy from the sun above your crown chakra. Keep strengthening
योर होल बॉडी सिस्टम एंड देन द एनर्जी इज ट्रेवलिंग टू द पाइप कनेक्टेड विद द मदर अर्थ. मेक योर पाइप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जीज ऑफ सन. Even stronger and stronger, completely stronger. Ask Mother Earth to ground and transmute all the negative energies coming out of this pipe to the loving energies and healing energies. So that it helps you in your life, it makes your life even stronger, it makes your healing power stronger, it makes your intuition power stronger. Pay gratitude to Mother Earth. Bring your focus on your root chakra. Feel the weight on your root chakra that it's connected to the Mother Earth. Feel that connection on your root chakra. And now, ground all the extra illegal energies, all the energies which is not required in your energy system, ground all these to the Mother Earth. Feel these energies traveling down from these pipes to the Mother Earth. All extra thoughts, all the negative energies inside you, around you, all the strain, all the anxiety, fear, traveling down through the pipe to the Mother Earth. Mother Earth is transmuting all these energy into loving energies, into the strength, and giving it back to you. This is a continuous process. You are completely safe. Feel the strength by Mother Earth. Hold it in each of your chakras. Now, pay gratitude to this brilliant sun for its divine healing energy. Thank you, thank you, thank you. Bring your focus on your Ajna chakra. And give directions to the grounding pipe that it stays still for next 7 days. Pay gratitude take a deep breath slowly slowly On the count of five, you may open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. मैम आपकी स्कैन करके बताइए क्या हम कर पाए हैं. बिल्कुल जस्ट गिव मी अ मोमेंट मैम. बहुत अच्छी थी मेडिटेशन. थैंक यू मैम.
ओके कैसा लगा आप सबको, लाइट लगा, कुछ माइंड में एनर्जाइज लगा? बहुत अच्छी थी मेडिटेशन, बहुत अच्छी, कुछ डिफरेंट लगा? यस मैम, डिफरेंट था बट अच्छा था, बहुत अच्छा था।